पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। अदालत के इस फैसले पर इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। इससे पहले इमरान के अरेस्ट होने पर इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले में वहां की सरकार को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। उनकी सुरक्षा के लिहाज से यह निर्देश दिया गया है। इमरान की रिहाई को उनके समर्थकों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान इमरान ने कहा कि उन्हें घर जाना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इमरान के बानीगाला वाले घर को आग के हवाले किया जा सकता है। कोर्ट ने इमरान से उन लोगों की लिस्ट भी देने के लिए कहा जो उनसे मिलना चाहते हैं। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि कल इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाता है। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट।